हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल बी पॉजिटिव विद पिया। सो पेंट मैं आज यहाँ पे आ गई मेकअप लुक करने के लिए। मैं अपना फेस क्लीन करके चली आई हूँ। मैं मेकअप करूँगी, मैं खुद से नहीं करूँगी, किसी और से करवाऊँगी अपना मेकअप। किससे करवाऊँगी चलिए आप लोगों से मिलवा देते हैं। मैं करूँगी सुहाना से अपना मेकअप। सुहाना मेरी बेटी है, यही आज करेगी। देखते हैं कैसा मेकअप करता है। पहले सुहाना सबको हाई कर दो। आप लोगों से हाई कर रही है सुहाना। ये कैसे मेकअप करती है, क्या करती है, शुरू से लेके अंत एंड तक हम लोगों से बनी रही है। से गाइस लाइक शेयर कमेंट भी कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सुहाना लेके आ गई है टोनर, जो भर भर के मेरे फेस पे टोनर अप्लाई कर रही है। पता नहीं मेरे आँखों में भी मुँह में सारे टोनर अपना डाल देगी। उसके बाद मॉइस्चराइजर लेकर चली आई है, जो अप्लाई कर रही है मॉइस्चराइजर मेरा फेस पे पूरा हिला हिला के। मुझे एकदम जितना जोर है अपने जितना भी हो सके फेस पे मसाज दे रही है अपने मन से। इतना टाइम तक मसाज दे रही थी कि मुझे तो शायद नींद ही आ जा रही थी। उसके बाद वो प्राइमेक अल्टरनेट पतंजलि का रबड़ा जेल यूज़ कर रही है। वो भी बहुत अच्छे से एकदम भर भर के मेरे फेस पे लिपा पोती पुछाई सब चल रही है। देख सकते हो आप। देन उसके बाद उसने आईब्रो किट जो होता है वो ले लिया है। स्पूली की मदद से अपना मेरा आईब्रो को फिल कर रही है। देन उसके बाद एक कलर पिक करेगी। करने के बाद छोटा जो ब्रश होता है उससे ही मेरा आईब्रो को फिल कर रही है, जैसे कि आप देख पा रहे हो गाइस। देन मेरा जो आईब्रो फिर भी गाइस ठीक ठाक तक जैसे भी किया उसको उतना अच्छे से आता नहीं है जितना भी कर रही है ना गाइस। थोड़ा बहुत मैं जब मेकअप करती हूँ देखने के बाद उसी से थोड़ा बहुत सीख जाती है। सीखी है कौन सा स्टेप के बाद कौन सा सब नहीं मालूम, फिर भी देखिए जैसे एक बना दिया अच्छा हुआ। फिर भी मैं सिंचन नहीं लग रही हूँ, चल जाएगा। उसके बाद फाउंडेशन ले लिया है, फाउंडेशन अप्लाई कर रही है मेरे फेस पे। अच्छा है, इसका क्वांटिटी ज़्यादा नहीं यूज़ किया, थोड़ा ही लगाया। फिर एक ब्यूटी ब्लेंडर ले लिया है, उसकी मदद से मेरा फेस को गॉड कितना डैपिंग कर रही है देख सकते हो। पूरा भर मेरा आँखों के ऊपर मेरा चीक के ऊपर पूरा एकदम जैसे लग रहा है कोई घुसे के ऊपर घुसा, घुसे के ऊपर घुसा, एक के बाद एक चलाते जा रही है। जितना भी उसके शरीर बदन पे अपने शरीर पे जितना भी जोर है उससे मुझे घुसा के ऊपर घुसा मारते जा रही है और मेरा फेस को चमकाते जा रही है गाइस। चांद जैसा एकदम चमक के जो आना है, निखर के आने हैं मुझे मेकअप के बाद, इसलिए सुहाना इतना जोर से ब्लेंडिंग कर रही है ब्यूटी ब्लेंडर से। देख सकते हो एकदम चमक गई है मेरे फेस। देन उसके बाद गाइस उसने ले लिया है कॉन्सीलर, जो मेरे आँखों के नीचे तो छोटा छोटा चांद बना दिया है। चांद बनाने के बाद क्या करेगी, चांद बनाने के बाद फिर से वो ब्यूटी ब्लेंडर ले लेगी। लेने के बाद जो चांदनी का रोशनी है, चांद का जो रोशनी है पूरा चांदनी मेरे फेस पे फैला देगी पूरा एकदम, जैसे कि मैं गोरी गोरी एकदम वाइट वाइट बन जाऊँ एकदम। देखिए फिर से वो अपना पूरा जोर लगा के पूरा मेरे फेस पे ब्लेंडिंग कर रही है और एकदम बंदरिया बनाने में एकदम सफल हो गई है, वाइट वाला बंदरिया देख सकते हो। फिर उसने एक पाउडर ले लिया, कॉम्पैक्ट पाउडर, उससे भी नहीं हुआ पहले तो। उसके बाद एक पफ ले लिया है, उसके बाद अच्छे से रगड़ रगड़ के जितना भी हो सके उस पर भर भर के मेरे फेस पे पाउडर लगा रही है।
तो जब तक उसका मन हुआ लगाते जा रही है, एकदम वाइट वाइट कर दिया, ब्लैक एंड वाइट एकदम देख सकते हो। देन उसके बाद जब मन भर गया फिर आई शेडो पैलेट ले लिया है एक। सो जो भी उसका मन है, शायद मेरे जो मेरा जो कपड़ा था उसी अकॉर्डिंग एक डार्क पिंक कलर ले लिया वो। तो एकदम जितना हो सके, उसका कुछ भी नॉलेज है नहीं, जैसे भी कर रही है अपने मन से कर रही है। देन पूरा भर भर के जितना उसका मन हो अप्लाई करती जा रही है। बीच में थोड़ा सा गोल्डन भी अप्लाई किया था। सो मैं कुछ नहीं बोल रही थी, चुपचाप बैठी थी, बस वो अपने मन से भर भर के आई शेडो अप्लाई करती जा रही है। मैं सोच रही थी कब तक इसका आई शेडो ब्लेंडिंग कंप्लीट हो जाएगा और मैं ठीक से आईज खोल पाऊँ। सो उसका मन भर ही नहीं रहा था, इतना आई शेडो अप्लाई कर रही थी। तो जब तक एकदम डार्क पिंक मजेंटा कलर जो अप्लाई कर रही है एकदम डार्क, जब तक नहीं आ जाए पूरा कपड़े के अकॉर्डिंग जैसा, तब तक वो करती जाएगी अप्लाई जब तक उसका मन होगा। देख सकते हो मेरा आईज और मेरा जो कपड़ा है एकदम मैच हो गया है। सो उसके बाद उसका मन जब भर गया है, उसके बाद उसने आईलाइनर पिकअप कर लिया है। सो आईलाइनर पिक करके आईलाइनर लाइन क्रिएट कर रही है। सो जैसे कि आईज राइट आईज पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, जो विंग्स उसने क्रिएट किया है ठीक था, ज़्यादा बड़ा नहीं किया था, ठीक थोड़ा सा ठीक था। बट गाइस लेफ्ट वाला जो आईलाइनर क्रिएट किया बहुत अच्छा से क्रिएट किया है, बचा है फिर भी, मुझे ये अच्छा लग रहा था। कभी कभार तो मुझसे भी नहीं होता है, कभी कभार मुझसे भी मिस्टेक हो जाता है, तो दो आंखें कभी कभी हो जाता है, दो तरफ का हो जाता है। बट इसने ये लेफ्ट वाला देख सकते हो गाइस बहुत अच्छा ही किया। सो आई एम इम्प्रेस। बट दूसरे टाइम वो ले लिया है मस्कारा, क्या पता मेरी आँखों में ना घुसा दे, इसलिए मैंने थोड़ा सा पलके झपक के थोड़ा सा उसको मस्कारा अप्लाई करने में हेल्प कर दी, नहीं तो मेरे आँखों में अंदर ना घुसा देती। देन उसने एक डार्क पिंक कलर का शेड ले लिया है लिपस्टिक का, उसने खुद ही चूज़ किया था, मैंने कुछ नहीं बोला था। तो भर भर के मेरे होठों पे लगा रही थी, वैसे भी मेरे होठ बहुत पतले हैं, तो ऐसे लगा रही थी जैसे मैं लिपस्टिक है सिर्फ होठ पे नहीं, मैं टीथ पे भी लगाएगी, ऊपर मेरा पूरा माउथ एरिया पे पूरा वो लिपस्टिक लगा के भर देगी। तो उसका पे हो नहीं, ख़त्म ही नहीं हो रहा था, जैसे कि लगा के देख सकते हो लग रहा है एकदम पिंक कलर, डार्क पिंक कलर था। मैंने खून चूस के आई हूँ अभी एकदम आकर मेरा हो, देख सकते हो गाइस, ओ नो क्या लग रही हूँ मैं। तो देन उसके बाद एक आई शेडो पैलेट के डार्क कलर पिक कर रही है, उसी की मदद से वो अप्लाई कर रही है ब्लश। सो देख सकते हो फ्रेंड पूरा रेड कलर लिया है एक डार्क कलर, तो एकदम डार्क डार्क मेरा गाल को एकदम झाड़ू जैसा एक ब्रश लेके पूरा झाड़ू चलाते जा रही है जब तक एकदम ना लगूँ मैं एकदम पूरा फुल बन गया एकदम, तब तक वो ब्रश लगाते जाएगी। गाइस देखो लग रही है वो वाइट एकदम, जैसे डॉल होती है गाइस एकदम गाल लाल लाल एकदम फेस एकदम वाइट वाला लग रही ना वैसा। सो बताना आप भी। देन गाइस मेरा ये जो मेकअप किया है सुहाना ने, मैं कैसी लग रही हूँ, इतना सुंदर मेकअप मुझे कर दिया है, किसी का नज़र ना लग जाए, एकदम चेहरा निखर गया है। सो आपको कैसा लगा ये वाला मेकअप, आई होप गाइस रियली लाइक इट दिस मेकअप। सो अगर पसंद आता है सो कमेंट डाउन जरूर करना। सो नेक्स्ट में भी ऐसा कुछ मेकअप दूसरा भी मेकअप कराऊंगी। सो मेरे साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना। थैंक यू फॉर गाइस।